Hello everyone, welcome to Hope LN. So today in this video we will discuss Jharkhand High Court Assistant Exam Review जो कि कल हुआ था 22 सितंबर 2019. इसमें हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस जीके में आए थे, इंग्लिश में आए थे, और उनके लेवल क्या क्या था, कट ऑफ जाने की क्या क्या चांसेस हैं, और सबसे मोस्ट जो डाउटफुल है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जो लोग भी क्वेश्चन बुकलेट में अपना रफ वर्क करते हैं अपार्ट फ्रॉम दी रफ वर्क रफ स्पेस गिवन, तो उसको छोड़ करके अगर आप कहीं पे भी आंसर में भी टिक मार्क करते हैं या फिर पेज में भी आप रफ वर्क करते हैं तो उन लोग स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था सेकंड पेज पे. बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस इंस्ट्रक्शन को पढ़े नहीं थे और उन्होंने सारे जगह पे रफ वर्क कर दिया, जो कि जनरली होता है. पता नहीं हाईकोर्ट किस लेवल का ये एग्जाम लिया है, एंड आई वुड बे दिस इज द टफेस्ट एग्जाम इन द हिस्ट्री ऑफ हाईकोर्ट एग्जामिनेशन. तो ऐसे सवाल पूछे गए थे जो कि इररिलेवेंट थे. करंट अफेयर्स 2014 से एक दो क्वेश्चंस था, स्टैटिक क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी से नहीं था, एक भी क्वेश्चन आपका साइंस से नहीं था, एक भी क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से नहीं था. मीन्स आप हाईकोर्ट का एग्जाम ले रहे हो और आप पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तो आप किस लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं? दिस इज रियली अंडरस्टूड. तो ये एक आयरनी कर सकते हो आप. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल के थे और कट ऑफ जाने के क्या क्या चांसेस हैं, और जो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है आप अगर रफ करते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है. इस वीडियो को अंत तक देखते रहें. तो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम से. ये कुछ सिनोनिम्स पूछे गए थे एग्जाम में, सिनोनिम्स पूछे गए थे, एंटोनिम्स पूछे गए थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी थे. एक कॉम्प्रिहेंशन था 5 मार्क्स का, तो टोटल 30 मार्क्स के इंग्लिश पूछे गए थे, जिसमें 20 मार्क्स आपका वोकैबुलरी था और 10 मार्क्स एसे था, एसे राइटिंग था. तो जो सिनोनिम्स आपके हैं वो है लाउजी. लाउजी मतलब होता है रिमार्केबली बैड, ठीक है ना. डिस्पैरेज मतलब तो होता है किसी को आप अगर क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है बिलिटल, ठीक है. फ्लाउट मतलब होता है टू अब्यूज समवन, टू मॉक समवन, ठीक है ना. फेटिड मतलब होता है फाउल स्मेलिंग, या फिर कह सकते हो आप स्टिंकिंग. पासे मतलब होता है जो कि यू नो आउट ऑफ डेट हो गया हो, आउट ऑफ डेट या फिर ओल्ड फैशनड. ludicrous मतलब होता है अनरीजनेबल, ridiculous. तो आइए कुछ जीके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. टम्बलर कंपनी वॉज एक्वायर्ड बाई, तो टम्बलर कंपनी को जो एक्वायर किया है वो है ऑटोमेटिक आईएनसी. सॉवरिन क्रिप्टो करेंसी इज अ लीगल टेंडर इन विच प्लेस, तो आंसर इज मार्शल आइलैंड्स. कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. $B $7 इन MS रिफर्स टू वॉट, इट रिफर्स टू एब्सोल्यूट रेफरेंस इन यू नो एक्सेल शीट, इट रिफर्स टू एब्सोल्यूट रेफरेंस. तो टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे गए थे, और ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिस वॉज यू नो एट द हाइएस्ट लेवल, जो उसकी इतने टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर के कि आप देख सकते हो यहाँ पे $B $7, ठीक है ना. हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन विच प्लेस, मीन्स यहाँ पे कंट्रीज की बात हो रही है, तो ये है मोनाको. बैंक ऑम्बुड्समैन इज अपॉइंटेड बाई RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ब्रिज मोहन मुनाल इज हेड ऑफ हीरो ग्रुप, तो ये हीरो ग्रुप ऑप्शन में नहीं था, ठीक है. तो एक ऑप्शन था नन ऑफ दी अबव. इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, 80 क्वेश्चंस ऑल इन ऑल पूछे गए थे, और सारे ऑप्शंस में नन ऑफ दी अबव ऑप्शन में था, ऑप्शन डी, ठीक है. तो इवन ये ऑप्शन क्वेश्चंस की यू नो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना देता है. ये आप सारे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एक नन ऑफ दी अबव ऑप्शन दे देते हो तो वहां पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं. चलिए आगे देखते हैं. फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट ई राशन कार्ड, so this state was Delhi. Vodafone launched M-Pesa services with ICICI Bank. Comcasa military exercise related with United States of America. Total digits in IFSC code, so this is again a confusing question. यहाँ पे digits पूछा गया है, digits तो होते हैं साथ, उस हिसाब से none of the above option हो जाएगा. None of the above, ये जो option है option D, वो answer हो जाएगा. But I think High Court इसे 11 consider करेगा, क्योंकि वो पूरा लेंथ को कंसिडर करेंगे, पूरा लेंथ जो होता है आईएफएससी कोड का उसको कंसिडर करेंगे. तो इसके आंसर हो जाएगा 11. किंगडम ऑफ इस्वाटिनी, इसका हो जाएगा स्वाजीलैंड.
Biocon is what? It is a pharmaceutical company. Jharkhand at the time of Mahabharat was known as Pund. NPA is managed by FEMA, FEMA. Data encrypted is sent as plain text and data decrypted at receiver at end is called ciphertext. Visual bird language is, you know, it is in Turkey. Log practice karte wahan pe. It is a very common language. End of Mughal rule in Jharkhand done by. So, two three questions hain jo ki main bhi bahut confused hu. Iske answers kya kya honge? Aur agar aur bhi koi questions hain jo aapko lagta hai ki yahan pe kuch questions miss ho gaya hai GK ke jo ki bahut important hai aur other students ko kaam aa jayenge, to aap us questions ko comment box mein comment kar sakte ho. To aaiye hum log baat karte hain cut off ki. To jo question ka level tha out of 80 questions aur plus one question of 10 marks, मतलब कि 90 मार्क्स 90 क्वेश्चंस हो गए आपके. तो इसमें जनरल के लिए तो उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपको 40% लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, जो हो जाता है 36. तो केवल आप 36 ला करके आप केवल क्वालिफाई कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा रिटन से, फिर उसमें टाइपिंग होगा और फिर उसमें इंटरव्यू होगा. तो फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा रिटन और इंटरव्यू से. तो ऑब्वियसली आपको रिटन में काफी ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके आपको मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाए, ठीक है ना. तो क्वेश्चंस के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कट ऑफ मींस आपके अगर मार्क्स, हम लोग कट ऑफ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इतना अनप्रेडिक्टेबल था कि आप लोग कट ऑफ को बता नहीं सकते हैं क्या जाएगा. इनफैक्ट अगर ये यहाँ पे लक बहुत मायने करता है सीरियसली. अगर किसी के मान लो अगर 40 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट है और वो अगर यू नो अगर लक से अगर उनके, क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, अगर वो अगर 14 से 15 मार्क्स अगर और वो ले आता है तो उसके टोटल बन जाएंगे 60, विच इज मोर देन इनफ, विच इज रियली मोर देन. तो ये 60 मार्क्स इज नो एम्पल टू यू नो गेट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट. तो इसमें जो एसे राइटिंग है ना वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि देखिए मार्क्स तो सब ले आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग लोगों के एवरेज गए होंगे, और यहाँ पे आपका जीके, जीके यू नो सबके बस की बात नहीं थी. तो ये सब के केस में सेम होगा, सारे स्टूडेंट के केस में ऑलमोस्ट सेम होगा. फिर आप आ जाओ इंग्लिश, इंग्लिश भी आपका बहुत कॉम्प्लेक्स था. तो इसमें जो एसे राइटिंग है ना, एसे राइटिंग और कह सकते हो आप इंग्लिश के जो वोकैबुलरी है वो बहुत टर्निंग पॉइंट प्ले करने वाले हैं पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना. तो आइए हम लोग बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन राइटिंग इन क्वेश्चन बुकलेट. तो जब नोटिफिकेशन निकला था झारखंड हाईकोर्ट का, तो उसमें उन लोगों ने डीसीए सर्टिफिकेट मांगा था. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल कंप्यूटर में कुछ भी कोर्स किए हैं और वो कोर्स को, वो सर्टिफिकेट को वो अटैच किए हैं और उनका स्टेटस को अप्रूव बताया था, ठीक है, इजिली अप्रूव बताया था. मतलब कि अगर वो क्वालिफाई भी करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर वो सर्टिफिकेट को लेकर जाते हैं तो वहां पर उसका वो वैलिड देंगे क्योंकि वहां पर उन्होंने अप्रूव किया है. क्वेश्चन बुकलेट में आप जो लिखे हो, रफ वर्क किए हो, तो ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूज नंबर, ए ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक. तो शायद मोस्ट प्रोबेबली हाईकोर्ट इसे इग्नोर कर देगा और आपके क्वेश्चंस आपके ओमा शीट इस फर्दर स्क्रूटनी में जाएंगे, ठीक है ना. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ऑल इन ऑल, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन एंड डू लाइक दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.